टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स ऑफ द रेडियाई आर वन एंड आर टू कैरी करंट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली आई वन एंड आई टू इन द अपोजिट डायरेक्शंस, वन क्लॉकवाइज एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ दैट ड्यू टू आई वन अलोन एट द सेंटर. इफ आर टू इज इक्वल टू आर वन द वैल्यू ऑफ आई टू बाई आई वन इज सिंपल है यार. देखो कॉन्सेंट्रिक लूप की बात हो रही है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं. कौन सा फॉर्मूला लगना है? म्यू नॉट आई बाय टू आर. कौन सा फॉर्मूला लगना बताइए? तो दो कॉन्सेंट्रिक है दोनों की वजह से फॉर्मूला लगेगा बस. इसमें कोई खास है नहीं इस क्वेश्चन में. इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल है, पहले दो लूप बनाओ. एक तो ये बन गया और ये दूसरा लूप ये बन गया जी. ठीक है, दो लूप बन गए और यहाँ पे कॉमन सेंटर हो गया जी दोनों का. इसने बोला आर टू इक्वल टू आर वन, मतलब इसका रेडियस अगर आर वन है तो इस बार वाले का रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ पे टू आर वन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो करंट का रेशियो है इसमें से मान लो जा रहा आई वन और ये पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसकी वजह से जा रहा आई टू यहाँ पे. तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट में आएगा. मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा? अपोजिट में, क्योंकि करंट डायरेक्शन अपोजिट है इनकी. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ दैट ड्यू टू आई वन. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ दैट ड्यू टू आई वन, जो अकेले आई वन की वजह से है, इन दोनों की वजह से मिला के उसका हाफ है. अकेले आई वन की वजह से कितना है? म्यू नॉट आई वन अपॉन में टू आर वन. यह आएगा डायरेक्शन. द मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द लूप इज हाफ दैट ड्यू टू आई वन अलोन. ये क्या लिख रहा है? अलोन नहीं, अलोंग होगा ना. ड्यू टू आई वन अलोन, अकेले आई वन किस एट द सेंटर. एक इसने डायरेक्शन नहीं बताई यार, कौन सी है डायरेक्शन? वही वाली लोगे फिर, जो अकेले आई वन की वजह से जो डायरेक्शन आएगी ना, तो यहाँ पे नेट डायरेक्शन जो है ना, यानी कि ऊपर वाले का कम है, ऊपर वाले का मिला के द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर लूज हाफ दैट ड्यू टू आई वन. अकेले आई वन की वजह से इतना है. किस तरफ आई है? अंदर की तरफ. दोनों की वजह से मिला के कितना है? बाहर की तरफ. ठीक है ना? और कितना है? सॉरी सॉरी, अंदर की तरफ ही होगा. और कितना होगा उसका? हाफ होगा. तो आप एक काम करो, सुनो आप, यहाँ पे ये म्यू नोड आई वन अपॉन में टू आर वन, ये किस तरफ है? अंदर. इसका इसका बाहर है. कितना है इसका? म्यू नोड आई टू अपॉन में टू इंटू टू आर वन, ये किस तरफ है? अंदर की तरफ. ये बाहर की, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है. अब नेट कितना बनना चाहिए बताइए? आई बाय में टू आर वन, इसका हाफ ये बनना चाहिए. ठीक है, बस इसको सोल्व करना है. ये क्या कर पड़े लग रही है बताओ? तो समझ में नहीं आया तो ये बोलो ना, समझ में नहीं आया. आप ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया? कई बार बच्चों को लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, चलो ऐसा रिएक्शन देते. सर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, डरा रहे हैं. सुन आप, इसकी वजह से मैग्नेट किस तरफ है? अंदर की तरफ. अंदर की तरफ है, इसकी वजह से अंदर की तरफ ये रहा. और इसकी वजह से बाहर की तरफ ये रहा. नेट नेट तो ऐसे ही निकाल लोगे, तो इनका रिजल्टेंट कितना है? इस वाले का आधा. समझ में आ रही बात आपको? इस इक्वेशन में कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? यार सुनो आप, इसने ऊपर देखो, क्वेश्चन देखो, पढ़ो. आप टेस्ट नहीं दिया होगा. द मैग्नेटिक फिट, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप्स इज, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप्स, दोनों लूप्स की सेंटर पर, मतलब द नेट की बात हो रही है, दोनों नेट की बात हो रही है, इज हाफ दैट ड्यू टू आई वन, आई वन अलोन एट द सेंटर. मतलब दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ है, जो अकेले आई वन की वजह से. इसकी हिंदी ये बनेगी, इसको ध्यान से देखो, इस लाइन की हिंदी यही बनेगी. और डायरेक्शन के बारे में कुछ कह नहीं रखा, तो डायरेक्शन वही मानोगे जो आई वन की वजह से डायरेक्शन है. यहाँ पे जो आई वन की वजह से जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जो आई वन की वजह से डायरेक्शन है, वही वाली डायरेक्शन होगी ना दोनों की वजह से नेट मिलाकर. ठीक है.
हाँ जी, ये समझ में आई कि इक्वेशन क्या लिख रखी है? yes, आपको समझ में आ गई? देखो इसके अंदर जो ऐसा करो, आप इसको इधर ले जाओ, आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा बताइए? यहाँ पे, यहाँ पे इसको अगर आप करोगे म्यू नोट आई वन बाय में, क्या लिखोगे बताइए इसके इसके अंदर? टू आर वन है ना, इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई टू बाय में फोर आर वन, ठीक है जी, टू टू जा फोर, म्यू नोट से म्यू नोट गया, आई वन बाय आई टू पूछा है क्या? आई टू बाय आई वन, आई टू बाय आई वन पूछा इन्होंने, तो क्या आएगा बताइए? यहाँ पे आर वन से आर वन भी काट दो यार, तो आई टू बाई आई वन तो टू बाई वन आएगा, तो हाँ जी क्या मिस्टेक है बताओ? यहाँ फोर आएगा ना, ठीक है, या मैंने मिस्टेक कर दी भाई? जब आप ना इसमें से इसको इसको इधर लेके आओगे तो ये फोर आर वन बन जाता है, और इस केस में इक्वेशन तो एकदम ओके थी, फोर से आई वन, ये तो वन आ जाएगा आंसर, तो वन आएगा आंसर, आंसर वन आएगा, समझ में आ गया होगा आपको? ये इक्वेशन एकदम ओके है, ठीक है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन के अंदर हो गई थी, बात समझ में आई होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?